अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलूकी खैबर लेकर आए हैं। 93-94 मॉडल है, 93-94 मॉडल है, सलूकी खैबर है, इस्लामाबाद का नंबर है इसका। हम आपको रिव्यू कराते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है, इसकी कीमत भी हम आपको बताएंगे और सारा कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अंदर की सूरत हाल दिखाते हैं। अच्छा, इसकी जेन्युइन के हवाले से ये 60 से 70% जेन्युइन बताई जा रही है। ये जो गाड़ी है ये आप देख रहे हैं, सलूकी खैबर। सीटों की बात की जाए तो सीटों की भी पोजीशन बेहतर ही है, तकरीबन अच्छी कंडीशन है। इसके अलावा बात करें अगर, अच्छा तो इसकी डैशबोर्ड की सूरत हाल आप देख रहे हैं, मीटर की सूरत हाल देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मीटर है। डैशबोर्ड भी बिल्कुल A1 नज़र आ रहा है। आप पूरा डैशबोर्ड देखें, अच्छी तरह से देख लें। हमारी कोशिश होती है कि हर गाड़ी का रिव्यू आपको बहुत ही बारीक बीनी से करवाएं ताकि आपको समझ आ जाए कि गाड़ी की क्या सूरत हाल है, गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ताकि आपका आपको पूरी पोजिशन गाड़ियों की नज़र आ जाए। तो ये हमने थोड़ा सा फ्रंट देखा है, अब बोनट की तरफ जाएंगे। अच्छा, अलार्म भी इसके लगे हुए हैं। अच्छा, बोनट की अगर देखें अंदर की, इंजन की सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, इंजन की सूरत हाल देखें तो इंजन A1 है। बताया जा रहा है कि 70% के लगभग इंजन की सूरत हाल है, कंडीशन अच्छी है इंजन की। इंजन को भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अंदर बोनट की अगर बात करें तो बोनट भी आपके सामने है सारी। बस सलूकी खैबर 93-94 मॉडल, इस्लामाबाद का नंबर। अलार्म लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत अलार्म लगे हुए हैं, अलार्म भी हम आपको दिखाते हैं। टायरों की सूरत हाल तकरीबन अच्छी कंडीशन है, 80% है टायरों की सूरत हाल। जेन्युइन के वाले से बात करें तो ये गाड़ी जो है, जेन्युइन की बात करें तो ये जो गाड़ी है 60 से 70% जेन्युइन है। ये आप देख सकते हैं इसकी सीटों की सूरत हाल, अंदर की डैक भी लगा हुआ है, स्पीकर गालिबन लगे हुए हैं, लेकिन पीछे से हम डिग्गी में जाते हैं और डिग्गी से दिखाते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। अच्छा, ये डिग्गी है, स्पीकर बिल्कुल लगे हुए हैं, इसके स्पीकर लगे हुए हैं, स्टेपनी मौजूद है, स्टेपनी गुजारे वाली है। इसके अलावा डिग्गी की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि डिग्गी की क्या पोजीशन है। तो ये गाड़ी है जिसका हम रिव्यू करा रहे हैं, 93-94 मॉडल है, सुजुकी खैबर है, और इसके टायर भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, और ये अलार्म लगे हुए हैं। कीमत के हवाले से भी ज़रूर बात करते हैं, हम आपको इसकी कीमत भी बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। तो उम्मीद है, अच्छा यहाँ पर एक बात हम आपको बताते चलें कि अगर कोई कमी बेशी होती है तो वो हमें कमेंट्स में बताया करें कि हम वो कमी बेशी अपनी दूर कर लें। वीडियोस में अगर कोई चीज़ हम दिखाने से रह जाते हैं तो वो हम दूर कर सकते हैं। तो अच्छा, तो इसकी कीमत के हवाले से अब बात करते हैं कि इसकी कीमत की क्या सूरत हाल है। सुजुकी खैबर 1993-94 मॉडल है, इस्लामाबाद का नंबर है, सब कुछ क्लियर बताया जा रहा है। और इसकी कीमत की अगर बात करें तो इसकी कीमत जो है 5 लाख फाइनल बताई जा रही है। 60 से 70% जेन्युइन गाड़ी है और इसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और करके ये गाड़ी बाय कर सकते हैं। काफ़ी मुनासिब गाड़ी है, सुजुकी खैबर है, अच्छी कंडीशन में है, 93-94 इस्लामाबाद का नंबर है। इसी के साथ इजाज़त से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर गाड़ी फॉर सेल गाड़ी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।